तो ये गाइस, मैं विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बाइसेक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। बाइसेक्शन मेथड थोड़ा सा लेंदी जाएगा आपको। ये पहला मेथड है हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड। जैसा कि मैं आपको बताया था, ट्रांसेंडेंटल जो एरर होता है उसको सॉल्व करने के लिए हम बाइसेक्शन न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करते हैं। उसमें हमारा पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड। सो बाइसेक्शन मेथड क्या होता है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर हम बाइसेक्शन मेथड की बात करें तो ये हमारे पास आप देख सकते हो, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। ये हमारे पास इंटरमीडिएट वैल्यू के प्रॉपर्टी पर ये बेस होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज ये हमारे पास आप ग्राफ देख सकते हो, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। सो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे पहले सबसे पहले हम एक वैल्यू देखते हैं। अगर सपोज हमारे पास गिवन फंक्शन है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है, सो हम सबसे पहले चेक करते हैं, हम दो चीज़ चेक करेंगे, एक निगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू। अगर यहाँ पर आप देखो तो अगर हम इसका रूट देखें तो रूट हम एक्स एक्सिस के थ्रू ही देखते हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस के थ्रू देखते हैं और ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो या तो हम एक अपर वैल्यू देखेंगे और एक लोअर वैल्यू देखेंगे, तब जाके तो हम बीच में आ पाएंगे ना। तो अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम एक अपर वैल्यू देखते हैं और एक लोअर वैल्यू देखते हैं, तो ऊपर वाला वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, नीचे वाला वैल्यू हमारा निगेटिव होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करते हैं और एक निगेटिव वैल्यू फाइंड करते हैं। सो जिस वैल्यू पर सपोज यहाँ पे हम फंक्शन एफ ऑफ जीरो का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता है, वन का निगेटिव आ जाता है, तो इन दोनों के बीच में नहीं लेंगे। लेकिन टू में अगर पॉजिटिव आ जाता है, सपोज यहाँ पे अगर हम ये जीरो हो गया एंड ये वन हो गया और ये टू हो गया, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव वैल्यू हो गया, ये भी हमारे पास निगेटिव वैल्यू हो गया और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो गया, तो हम इन दोनों के बीच में ना लेते हुए हम इन दोनों के बीच में एक मीडियल टर्म लेंगे। यहाँ पे जो आपको बोला गया है कि ये हमारे पास जो है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का इंटरमीडिएट निकालेंगे। मतलब कैसे निकालना है, तो वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू, सो जो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.5 आ जाएगा। सो इस तरीके से निकालेंगे और देन वहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं और जो एक्स वन का वैल्यू है, जैसे हम सपोज यहाँ पे अभी क्या निकाले, हम 1.5 निकाले, ये पहला अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो इसका अब हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम अगर एक्स वन का वैल्यू निकालें तो एफ एक्स वन निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव हुआ, सपोज कि जब हम सेकेंड बार निकाले, सो ये हमारे पास अगर सपोज ये पॉजिटिव हुआ, तो अब हम किसके बीच में लेंगे, सो अब हम इन दोनों के बीच में नहीं ले सकते, इन दोनों के बीच में तो ऑब्वियसली बात है नहीं ले सकते, तो अब हम इन दोनों के बीच में लेंगे। सो इस तरीके से करते हुए आपको बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करना है। अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे तो उससे आपको और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइसेक्शन मेथड, ये हमारा बेसिकली बाइसेक्शन मेथड का थ्योरी पोर्शन है। इस तरीके से हमें सॉल्व करते जाना है और वही सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया, फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, और ये बाइसेक्शन मेथड थोड़ा लेंदी पड़ता है, हमें यहाँ पे 9-10 एप्रोक्सीमेशन निकालने होते हैं। सो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं और यहाँ से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा वैल्यू में निगेटिव वैल्यू आता है और कौन से हम अगर डिजिट देते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आप देख सकते हो, अगर हम फंक्शन एफ ऑफ वन का वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, सॉरी ये प्लस वन, सो यहाँ ये माइनस वन है। सो यहाँ से ये वैल्यू आप देख सकते हो, ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू आ गया। अगर हम यहाँ पे f2 का वैल्यू निकाले तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस टू माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, सो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो गया। सो अगर यहाँ पे देखो तो पहला वैल्यू हम किसके बीच लिए, वन एंड सेकेंड हमने टू लिया, ये हमारे पास निगेटिव आया और ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो अब हम यहाँ से पहला अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसके बीच में। सो यहाँ से अगर हम एक्स वन का वैल्यू निकालें, सो वन प्लस टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 1.5, सो पहला अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आया 1.5। अब इसे चेक करना होगा, इस वाले वैल्यू को हमें चेक करना होगा कि ये पॉजिटिव में है या फिर निगेटिव में है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन निकालेंगे, मतलब कि एफ ऑफ 1.5 निकालेंगे, मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे, जो फंक्शन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, उसमें हम 1.5 रखेंगे एक्स के जगह पर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.5 क्यूब माइनस 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा, आपको कैलसी के थ्रू सॉल्व करना है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 0.875। ये आपने देखा कि ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है।
मतलब इसका जो वैल्यू है 0.875, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो मैंने बताया था कि हमारे पास पॉजिटिव और निगेटिव में ही लेते हैं, तो ये मतलब कि हम इसके बीच में अब नहीं ले सकते, अब हम इसके बीच में लेंगे, राइट। इसके बीच में नहीं ले सकते, अब हम इसके बीच में लेंगे। सो यहाँ से अगर हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालें, x2 का वैल्यू निकालें, तो वो किसके किसके बीच में होगा, सो ये 1 हो जाएगा एंड ये हमारे पास 1.5 होगा। ये निगेटिव वैल्यू है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। सो यहाँ से x2 का जो वैल्यू निकलेगा वो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1.25। इसका जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो हमारे पास 1.25 है। अब इसको चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास है 1.25 है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है या फिर निगेटिव वैल्यू देता है। तो यहाँ से हमारे पास एफ एक्स टू निकालेंगे, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1.25 इज इक्वल टू, यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट करके देखो, आप अच्छे से निकालना। सो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, ये वैल्यू जो है हमारे पास हो जाएगा -2.1। आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, कैलसी के थ्रू आप कैलसी में वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपको ये वैल्यू आ जाएगा। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाता है -0.296875। सो ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू हो गया। सो अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो इसके बीच में नहीं ले सकते, अब हम इसके बीच में लेंगे, राइट। सो यहाँ से अगर हम x3 का वैल्यू निकालें, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करें, तो वो वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.25 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2। मतलब पहला हमारे पास a का वैल्यू है 1.25, सेकेंड हमारे पास 1.5, ये निगेटिव वैल्यू है एंड ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो यहाँ से अगर हम देखें तो इसके बीच में हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालना है, मतलब ये जो वैल्यू है, ये x3 का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 1.375। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो वैल्यू आया है ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। सो यहाँ से अगर हम एफ एक्स थ्री का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो 1.375 का क्यूब माइनस 1.375 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.3125। सो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो गया। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम इसके बीच में निकालेंगे। सो इसी तरीके से करते हुए करते करते हमें आगे जाना है, राइट। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। सो यहीं तक हम करते हैं, अभी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम और भी अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे आपको बस जो मेथड मैंने बताया यही मेथड हमें यूज़ करना है, एक एक अप्रोक्सीमेशन हमें करते जाना है। और ये पहला मेथड है, बाइसेक्शन मेथड मैंने जो बताया, ये हमारा स्टार्टिंग का मेथड है। ये बहुत ही लेंदी है, हमें यहाँ पे 10-11 अप्रोक्सीमेशन करने होते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारा अगर सपोज इसको स्टार्ट करें तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, सो पहले हमें चेक करना होगा कि हमारे पास अपर और लोअर, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू किस पे आ रहा है। तो जब हम इसको चेक करेंगे, राइट, सो यहाँ पे सपोज हम 1 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास 1 माइनस 2 माइनस 5, ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू आ गया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1, ये भी हमारे पास निगेटिव वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद 3 वैल्यू पुट करते हैं, ये हमें पुट कर करके देखना पड़ता है, 27 माइनस 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 16 हो गया। सो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास निगेटिव वैल्यू भी आ गया और पॉजिटिव वैल्यू भी आ गया, मतलब ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये निगेटिव वैल्यू आया है और ये पॉजिटिव वैल्यू आया है। सो यहाँ से अगर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं एक्स वन का वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2.5। सो पहला अप्रोक्सीमेशन हमारे पास 2.5 आया। अब आपको पता है हमें चेक करना होता है कि ये पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, मतलब हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.5 का वैल्यू निकालेंगे। सो जब हम 2.5 को यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2.5 क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5। अगर आप इसको कैलसी में सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास होता है 5.625, ठीक है, जो कि ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आया। तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू आया तो अब हम इन दोनों के बीच में तो अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल सकते, मतलब हम इसके बीच में निकालेंगे, किसके किसके बीच में, तो ये हमारे पास 2 और 2.5 के बीच में निकालेंगे। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू है। सो जब हम यहाँ से सेकेंड
अप्रोक्सीमेशन मतलब x2 का वैल्यू निकालते हैं, मतलब 2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हमारे पास होता है 2.125। ये हमारे पास सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आ गया 2.125। ये आप बगल में करते चलना, ये ग्राफ आप बनाते चलना, राइट। अगर यहाँ पे आप ये लाइन बनाते चलते हो तो आपको बहुत ही ईजी होगा, आपको कन्फ्यूज नहीं होगा, राइट। कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा कि कब कैसे कहाँ क्या करना है। तो ये आप ग्राफ साथ साथ में बनाते चलना, बहुत ही ईजी ये होते जाता है। सो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है। सो यहाँ पे 2.125 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आता है 0.3457, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम इसके बीच में अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल सकते, मतलब हमें इन दोनों के बीच में लेना होगा। सो जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे, वो हम निकालेंगे 2 और 2.125 के बीच में। सो ये निगेटिव वैल्यू है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। x3 का वैल्यू हमें अब निकालना है, मतलब थर्ड अप्रोक्सीमेशन अब हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास ये जब हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन तो हम निकालेंगे 2 प्लस 1 सेकेंड, ये यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये यहां पे आप देखो तो ये हमारे पास 2.25 आएगा, राइट। ये हमारे पास 2.25 आएगा। सो यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में आएगा, बट पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगा हमारे पास 1.890625, ये वैल्यू आएगा। भले ही पॉजिटिव होगा बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सो ये आप देख सकते हो अब हमारे पास थर्ड अप्रोक्सीमेशन किसके किसके बीच में निकलेगा। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो 2 और 2.25 में निकलेगा। सो यहाँ पे हम 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, सो यहाँ पे अब हम जो हमारा अप्रोक्सीमेशन आता है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन आता है, वो वैल्यू हो जाएगा 2.125, राइट। सो ये हमारे पास हो गया 2.125। और इसको अगर हम चेक करते हैं fx3 करके, मतलब फंक्शन ऑफ 2.125 करके अगर हम चेक करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाता है 0.3457। सो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू हो गया। तो अब हम इसके बीच में तो कर नहीं सकते, इन दोनों के बीच में लेंगे, मतलब अगर हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा 2 और 2.125 के बीच में। ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे आप करके चलते रहो। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो ये हमारे पास x4 का वैल्यू हो जाएगा 2.0625, राइट। आप जल्दी जल्दी आप भी करते चलना क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा चलना है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये अभी हमें बहुत ही आगे तक चलना है, लगभग 11-12 अप्रोक्सीमेशन निकालना है। तो आप भी जल्दी जल्दी से इसको वीडियो को पॉज कर करके आप कैलसी के थ्रू भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ये वैल्यू मैं ऑलरेडी ये वैल्यू निकाल के रखा हूँ। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। सो आप देख सकते हो फोर्थ अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो ये हमारे पास हो गया 2.0625। अब इसको चेक करते हैं कि ये प्लस है या माइनस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.0625 में अगर हम चेक करें तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा -0.3513, राइट। मतलब ये निगेटिव वैल्यू है। निगेटिव वैल्यू कहने का सीधा सा मतलब है कि अब हम इसके बीच में अप्रोक्सीमेशन नहीं निकाल सकते, अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना होगा। मतलब अगर हम x5 अगर निकालना चाहें तो वो हमारे पास हो जाएगा इसके बीच में 2.0625 और 2.125 के बीच में। ये निगेटिव वैल्यू है और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। सो 2.0625 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2.09375। सो अब हम यहाँ पे जो हमारे पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन निकला है वो है हमारे पास 2.09375, और इसको अगर हम चेक करें कि ये हमारे पास निगेटिव है या पॉजिटिव, तो ये आप देख सकते हो 2.09375 में अगर हम चेक करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आता है -0.008941, मतलब ये वैल्यू हमारे पास निगेटिव है। निगेटिव कहने का सीधा सा सेंस है कि अब हम इसके बीच में नहीं निकाल सकते, इन दोनों के बीच में हमें अपना नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना होगा। सो यहाँ से अगर हम x6 का वैल्यू निकालना चाहें, सो x6 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा,
तो एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा 2.0625 और 2.09375 के बीच में निकालना होगा। सो यहाँ से अगर वैल्यू हम निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.0625 प्लस 2.09375 डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू हमारे पास हो गया 2.109375, मतलब 6th अप्रोक्सीमेशन हमारे पास हो गया 2.109375। ये नेगेटिव वैल्यू था, ये पॉजिटिव वैल्यू था। इसको अगर हम चेक करें, मतलब अगर हम एफ एक्स सिक्स निकालना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ 2.109375 वैल्यू है, राइट। सो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.166837। सो ये पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ये भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो गया। सो अब हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे तो इन दोनों के बीच में ना निकालते हुए इनके बीच में निकालेंगे, मतलब ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा नेक्स्ट। तो अगर हम यहाँ से एक्स सेवन का वैल्यू निकालना चाहें तो ये किसके किसके बीच में निकलेगा, ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास निकलेगा 2.0625 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे बात करें सो ये हमारे पास निकलेगा 2.09375 और यहाँ पे 2.109375 के बीच में। सो यहाँ से अगर हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, अप्रोक्सीमेशन कहने का सीधा सा मतलब है कि हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकालना है। सो यहाँ से एक्स सेवन का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2.101565, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गया 2.101565। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाता है, अगर इसको हम चेक करें 2.101565, सो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 0.07856। ये पॉजिटिव वैल्यू आया, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। सो ये आप देख सकते हो कि हम इसके बीच में हम नहीं निकाल सकते, इसके बीच में हमें निकालना होगा। सो यहाँ से अगर हम एक्स एट का वैल्यू निकालना चाहें तो एक्स एट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 2.09375 और 2.101565 के बीच में निकालना होगा। सो यहाँ से अगर हम निकालें, ये निगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो ये आप देख सकते हो 2.09375 प्लस 2.101565 डिवाइडेड बाय 2। सो एक्स एट का जो वैल्यू है यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2.09765, ये हमारे पास आठवां अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू आ गया 2.09765। और इसको अगर हम चेक करें कि ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये आप देख सकते हो 2.09765 = यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0347268, राइट। ये मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, बहुत ही लेंदी है, सो आपको आगे तो करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कितने अप्रोक्सीमेशन तक कर सकते हैं, सो यहाँ पे आपको अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में देखते हो तो आपको 10-12 तक करना पड़ेगा, क्योंकि ईजी है, बस आपको कैलसी के थ्रू आपको खुद पे करना नहीं है, बस ये कैलसी के थ्रू आपको करते जाना है। सो कैलसी के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास आठवां अप्रोक्सीमेशन है वो भी हमारे पास निकल गया है। अगर हम यहाँ से नौवें अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो वो किसके किसके बीच में निकलेगा, ये आप देख सकते हो 2.09375 और 2.09765 के बीच में निकलेगा। ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये निगेटिव वैल्यू है। अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.09375 प्लस 2.09765 डिवाइडेड बाई 2 = एक्स नाइन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.0957, ये हमारे पास हो जाएगा 2.0957, राइट। सो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है या फिर निगेटिव। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स फंक्शन एक्स नाइन का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा 0.012827, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया। सो अब आप देख सकते हो कि ये हमारे पास जब पॉजिटिव वैल्यू हो गया तो इसके बीच में तो हम निकाल नहीं सकते, इसके बीच में निकालना पड़ेगा, मतलब कि अगर हम दसवां अप्रोक्सीमेशन निकालना चाहें तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2.09375 और 2.0957 के बीच में। सो यहाँ से वैल्यू आप देख सकते हो, ये हमारे पास हो जाएगा 2.09375 प्लस
2.0957 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से एक्स टेन का वैल्यू हमारे पास हो गया 2.094725। ये वैल्यू आप देख सकते हो 2.094725। ये निगेटिव वैल्यू था, ये पॉजिटिव वैल्यू था। तो यहाँ से अगर हम एक्स टेन को अगर चेक करें कि ये निगेटिव या पॉजिटिव, सो ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आता है, ये पॉजिटिव वैल्यू। मतलब हम इसके बीच में नहीं कर सकते, अब हम इसके बीच में निकालना होगा। सो यहाँ से अगर हम एक्स इलेवन का वैल्यू निकालना चाहें, मतलब 11वें अप्रोक्सीमेशन, अब हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 11वें 12वें तक करके इसको 11वें तक करके छोड़ देते हैं। सो अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना होगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2.09375 प्लस 2.094725। सो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा इसका 2.094। सो अब यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से अगर हम एक्स टेन को देखें तो एक्स टेन का वैल्यू क्या है हमारे पास 2.094725, और यहाँ से अगर हम एक्स इलेवन का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास है 2.094। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो तीन वैल्यू है ये हमारे पास अब मैच होना स्टार्ट हो गया, डेसिमल के तीन आगे तक डिजिट तक ये हमारे पास मैच होना स्टार्ट हो गया। मतलब फाइनली अगर हम आंसर की बात करें तो 2.0 अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हम इसको आंसर लिख सकते हैं। अब इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारा आंसर हो गया 2.094, ये हमारे पास आंसर हो गया। आप इसके आगे भी निकाल के एक दो और चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे दो जब यहाँ पे सिमिलर हो जाता है सो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमें यहाँ पे चेक करके इसको बता सकते हैं। सो बेसिकली ये पहला हमारे पास मेथड था जो कि बहुत ही, अब आप जानते हो कि जब पहला मेथड आता है तो वो थोड़ा सा लेंदी ही होता है। सो आपके सिलेबस में है, मतलब ये क्वेश्चन अगर चाहे यूनिवर्सिटी तो पूछ सकता है, इसलिए आप इसको दो तीन क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो रेगुलर फॉल्सी मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। ये अभी हम जैसे आप देख सकते हो 11 अप्रोक्सीमेशन निकालना पड़ रहा है, बट उसमें हम 4-5 में ही हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। सो यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।